हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बात करने वाले एक छोटे शहर के बारे में, जिसमें यहाँ पे बात करें तो पिछले एक महीने से बहुत ही ज़्यादा भयंकर आग लगती हुई दिखाई दे रही है। और पिछले एक महीने की बात करूँ तो यहाँ पे लोगों के पैसे ऑलरेडी डबल कर चुका है। पीसी ज्वेलर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे काफ़ी समय से चर्चा में रहने वाला स्टॉक है। पिछले कुछ समय से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट करके इस शेयर के बारे में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। तो पीसी ज्वेलर्स के बारे में आज डेफिनेटली बात करेंगे, कौन सी खबर के चलते इतना भाग रहा है और यहाँ पर क्या इस तेज़ी को अभी भी प्ले आउट किया जा सकता है कि नहीं। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन डेफिनेटली दबाइए। यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया, एचडीएफसी बैंक, इटसेल टेक्नोलॉजीज, येस बैंक, भारतीय एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और काफ़ी ज़्यादा और भी वीडियोज मैंने डाल करके रखे हैं। इन सभी में यहाँ पे सिचुएशन कहीं ना कहीं टर्न अराउंड होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते यहाँ पे इसमें आपको डेफिनेटली वॉचआउट करना चाहिए। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उसके कल ही रिजल्ट आया है और रिजल्ट के ऊपर कल मतलब कि सोमवार को बाजार रिस्पॉन्स करने वाला है, तो इसके ऊपर भी आपकी कड़ी नजर रहनी चाहिए। फिलहाल बात करना चाहूंगा कि फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का भाग नहीं बने हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। अब वहां से जाके उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो, जोड़ सकते हो डेली बेसिस पे फ्री कॉल्स इंट्राडे के पाने के लिए, एफएडओ, बैंक निफ्टी, निफ्टी और यहाँ पे कैश के भी। फिलहाल बात करेंगे कि पीसी ज्वेलर्स की यहाँ पे क्लोजिंग किस तरह की फ्राइडे को दिखाई दी थी। तो यहाँ पे फ्राइडे को बड़ा धमाका दिखाई दिया था, आप देख सकते हो 47.45 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 4.30 रुपये ऊपर 10% की अपर सर्किट के साथ ये लॉक होता हुआ आपको दिखाई दिया था। और मानोगे नहीं, हाल फिलहाल में जो रिटर्न दिया है, जैसे कि एक वीक में बात करें तो एक वीक में ही 48%, मतलब कि 5 डे 6 डे के अंदर ही आपको 48% के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में देखिए दोस्तों 96% के रिटर्न, तो लगभग लगभग पैसे को दो गुना कर दिया है एक ही महीने में। और यहाँ पे मैं बात करूँ 6 महीने की, तो 6 महीने में 77% है, 2022 में भी सेम रिटर्न है, एक साल की टाइम रिजन पे 75%। परंतु पिछले हिस्ट्री देखोगे, जैसे कि 5 साल, तो 5 साल में अभी भी 80% डाउन है, मतलब एक पेनी स्टॉक बन चुका था जो कि 600 रुपये से लेकर के 7 रुपये का लो बनाता है। और वहाँ से जो तेज़ी आती है, तेज़ी अपने आप में इतनी ज़्यादा तेज़ है कि एक ही महीने में 100% के रिटर्न है। यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे भी इसके ऊपर आर्टिकल छपा है और यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स के बारे में बताने की कोशिश करी गई है। इसमें बताया गया है कि हाल फिलहाल में जो क्लेरिफिकेशन आया था मैनेजमेंट की तरफ से, यहाँ पे जो अपडेट निकल करके आया था, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी तूर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। परंतु मुझे ऐसा लगता है, हालांकि स्टॉक में मुझे लगता है अभी भी तेज़ी बाकी है, मैं चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और वो बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन जान लेंगे कि यहाँ पे ओनली ट्रेडिंग हो रही है कि डिलीवरी भी हो रही है। तो पीसी ज्वेलर्स आपके सामने है, 47.45 रुपये पे क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोजिंग 43 रुपये के आसपास, ओपन 47.45 रुपये, हाई भी वहाँ और लो बनाया 45.10 रुपये, जैसे क्लोजिंग प्राइस की बात करें भी तो 47.45 रुपये, मतलब कि 10% की लो अपर सर्किट के साथ ही पूरे दिन ट्रेड किया था। 1,33,00,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से लगभग लगभग 63,00,000 शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी 47% से ज़्यादा की नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा गेम होता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। तो सीधा चार्ट पे लेकर जाना चाहूँगा और यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है वो सभी बातें यहाँ पे वहाँ पे मैं आपको शेयर करके बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स का चार्ट आपके सामने, यहाँ पे बात करना चाहूँगा पिछले 2 साल की, तो 2 साल में एक ही रेंज में घूम रहा था और रेंज थी 20 रुपये से लेके 25 रुपये की। और इससे पहले बात करें तो यहाँ पे जो लो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो लो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कौन सा लो था। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 रुपये का लो बनाया, उसके बाद तेज़ी आती है और 2 साल 20 से 25 के दायरे में घूमने की कोशिश करता है। और हाल फिलहाल की बात बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम किया है, हाल फिलहाल में बात करें तो 26 रुपये जो ब्रेकआउट आया है, 26 से डायरेक्ट लगभग लगभग डबल होता हुआ दिखाई दिया है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ये रॉकेट बनता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है अभी भी तेज़ी ऊपर की तरफ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम पर जूम करके बताना चाहूँगा, तेज़ी में वॉल्यूम भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है, परंतु RSI का लेवल 94 के आसपास पहुंच चुका है। तो अभी थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम पे जाएंगे ताकि पीछे लेवल यहाँ पे समझ सकें, तो वीकली टाइम फ्रेम पे लेकर के आया हूँ। और यहाँ पे अगेन देखें तो 2 वीक से कंटिन्यूसली तेज़ी और यहाँ पे जो वॉल्यूम पे वो भी बढ़िया है और वीकली टाइम फ्रेम पे RSI का लेवल भी 82 के आसपास है। मुझे लगता है यहाँ पे जो लेवल था 30 रुपये का, उसको
काफ़ी अच्छी तरह से तोड़ दिया है। मुझे जो नेक्स्ट रजिस्टेंस दिख रहा है वो यहाँ पे मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो है, और वो रजिस्टेंस है 65 के जोन के आसपास। तो 65 का जोन अभी भी यहाँ से पॉसिबल है मुझे ऐसा लग रहा है। तो डेफिनेटली तेज़ी को प्ले आउट करना चाहो तो 65 के लेवल के साथ यहाँ पे आप बने रह सकते हो, परंतु तो आपको यहाँ पे जो एसएल है वो 30 के आसपास टेक्निकली बेटर है, तो इतना लंबा एसएल तो रख नहीं सकते। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो पिछले दिन की कैंडल है उसके लो को पकड़ करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजिशन बना सकते हो। तो अभी अगर आपको यहाँ पे जो एसएल रैंक रखना है तो एसएल रखना होगा 44-45 के आसपास, और उस ऊपर की तरफ जितनी भी तेज़ी आती है उसको आप डेफिनेटली प्ले आउट कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे लगता है पीसी ज्वेलर्स में तेज़ी को प्ले आउट करना चाहिए, परंतु अभी भी मैं बताना चाहूँगा ये एकदम पिटा हुआ स्टॉक है, बीटन डाउन स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, तो इसमें डेफिनेटली स्टॉप लॉस के बिना तो काम करना ही नहीं है। तो ये बात मेरी आप डेफिनेटली याद रख सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि पीसी ज्वेलर्स आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि इसमें ट्रेड करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, और यहाँ पे किन खबरों के चलते इसमें तेज़ी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कॉलोडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।